वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। पावर की कॉस्ट भी कम आई है, एनर्जी जो हमारी, जैसा मैंने आपको अभी बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी 2012 तक भारत में 68,274 मेगावाट थी, जो बढ़कर 3,69,651 मेगावाट हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पे किस तरह से काम किया है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और एक तरह से पावर की कॉस्ट भी कम आई है, एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने का काम किया गया है। और जो ग्लोबल स्तर पे भारत को एक नेतृत्व देने का काम करना था वो भी करने का काम किया है। दूसरा निर्णय भी पावर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जहां 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। जैसा मैं